बीजेपी का सदस्यता अभियान लगातार जारी है और आज जो है जेजेपी को झटका लगने वाला है। स्वाति यादव जो कि उम्मीदवार रह चुकी हैं जेजेपी की, आज बीजेपी का दामन थामेगी। आपको बता दें गुरुग्राम में बीजेपी को ज्वाइन करेंगी और आपको ये भी बता दें जेजेपी की टिकट पर स्वाति यादव चुनाव लड़ चुकी हैं। लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए, आपको बता दें भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से जो है स्वाति यादव जेजेपी की उम्मीदवार थी और अब जो है आज वो बीजेपी ज्वाइन करने वाली है। तो बड़ा झटका जेजेपी को लगेगा, जननायक जनता पार्टी को लगेगा और जाहिर सी बात है कि आने वाले वक्त में जो है विधानसभा चुनाव में नुकसान होगा जेजेपी को स्वाति यादव की पार्टी छोड़ने का। तो युवा नेता है, लोग काफी पसंद भी उन्हें करते हैं और बीजेपी का सदस्यता अभियान आज जारी रहेगा, स्वाति यादव बीजेपी में शामिल हो जाएंगी। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए, ज्यादा जानकारी के लिए गुरुग्राम से ब्यूरो चीफ सुनील यादव लाइव जुड़ गए हैं हमारे साथ और न्यूज रूम से पूजा वर्मा भी हमारे साथ लाइव जुड़ गई है। सबसे पहले सुनील आपके पास हम आना चाहेंगे और जानना चाहेंगे आज ये जो पूरा कार्यक्रम रहने वाला है करीबन कितने बजे शुरू हो जाएगा और कौन कौन लोग यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं। श्रीनम देखिए, सबसे पहले मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहां पर पहुंचेंगे दोपहर 1 बजे पहले। सबसे पहले वो पत्रकारों के साथ लंच करेंगे, उसके बाद 2:30 बजे वो एक प्रेस वार्ता का आयोजन करेंगे, प्रेस को संबोधित करेंगे। उसके बाद 3 बजे ये कार्यक्रम रखा गया है सेक्टर 17 में, जहाँ पर बीजेपी सदस्यता अभियान चलाया जाएगा और इसमें बताया जा रहा है कि महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से जेजेपी की प्रत्याशी रही स्वाति यादव शामिल हो रही है। कहीं ना कहीं जेजेपी के लिए एक बड़ा झटका है क्योंकि नई पार्टी है और स्वाति यादव लोकसभा चुनाव में अपने लोकसभा की तकरीबन 9 विधानसभाओं की रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए वो चुनाव लड़ी थी, लेकिन अब वो विधानसभा चुनाव से पहले ही जेजेपी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रही है। तो कहा जा सकता है कि बड़ा झटका है जेजेपी के लिए। 3 बजे ये सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। इस पूरे सदस्यता अभियान में बीजेपी की तरफ से सुभाष बराला यहाँ पर मौजूद रहेंगे, सुरेश गोड़ रहेंगे, अनिल जैन रहेंगे, ये सब नेता यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं। शिवराज सिंह चौहान उनके बड़े लीडर यहाँ पर आ रहे हैं जो सैकड़ों लोगों को बीजेपी में आज ज्वाइन कराएंगे। एक उनमें से स्वाति यादव का नाम है, जबकि अन्य भी कई ऐसे लोग हैं जिनको आज बीजेपी में शामिल कराया जाना है। उसके बाद 5 बजे सुखराली गाँव में एक पौधारोपण का कार्यक्रम रखा गया है जिसमें शिवराज सिंह चौहान हिस्सा लेंगे। जी शीनम, सुनील वापस लौटेंगे आप पर, पूजा वर्मा का रुख करेंगे, न्यूज रूम से लाइव जुड़ी है हमारे साथ। पूजा, जिस तरीके से आप स्वाति यादव जो हैं जेजेपी को छोड़कर बीजेपी में ज्वाइन करेंगी, तो ऐसे में कितना बड़ा झटका माना जाए जेजेपी के लिए, कितना नुकसान जेजेपी को होगा? बिल्कुल, नुकसान की अगर बात करें तो वो लगातार जो है कई राजनीतिक पार्टियों को हो रहा है, चाहे इनेलो हो या फिर बात करें अगर जेजेपी की। लेकिन जिस तरह से जेजेपी की जो उम्मीदवार रही स्वाति यादव, जिन्होंने जिनको एक अगर बात करें इन चुनावों में जो लोकसभा चुनाव रहे, उन्होंने कई जगह उनको आगे किया गया, उनको प्रतिनिधि तौर पर आगे किया गया, लेकिन आज जो है उन्होंने खुद बीजेपी ज्वाइन कर रही हैं, वो तो काफ़ी बड़ा झटका माना जाता है क्योंकि विधानसभा चुनाव भी नज़दीक। और ऐसे में जब अभी हाल ही में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दुष्यंत चौटाला द्वारा की गई थी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बूथ लेवल पे मजबूत करने के लिए एक रणनीति तैयार की जा रही है पार्टी को लेकर, तो ऐसे में जब उन्हीं की पार्टी से जो उम्मीदवार लोकसभा चुनाव लड़ चुका है वो छोड़ के जा रहा है, तो कहीं ना कहीं बड़ी झटका एक पार्टी को महसूस होता है इससे। और कहीं ना कहीं अगर बात करें अगर स्वाति यादव के बयान की, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी की जो नीतियाँ हैं उनसे प्रभावित होकर वो ज्वाइन कर रही है। तो ऐसे में सदस्यता अभियान की शुरुआत तो आज से हो गई है, जहाँ कार्यकर्ताओं को तो उनके टारगेट दिए गए हैं, लेकिन एक बड़ा टारगेट यहाँ पर दिख रहा है कि प्रदेश की जो बीजेपी कार्यकारिणी है उन्होंने अचीव किया है, जहां वो मौजूदा जो पार्टीज है, जो राजनीतिक पार्टीज है, उनकी जो है लोगों को अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सदस्यता अभियान आज शुरू हो गया है। जी बिल्कुल, पूजा आपके पास दोबारा वापस लौटेंगे। गुरुग्राम से सुनील लगातार जुड़े हुए हैं। सुनील, अगर गुरुग्राम की अगर आज के इस कार्यक्रम की बात की जाए जो बीजेपी की ओर से रखा गया है, सदस्यता अभियान जो चलाया जा रहा है, क्या इसमें सिर्फ आज यहाँ पर स्वाति यादव ज्वाइन करेंगी या उसके अलावा और भी कई लोग बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं?
देखिए, हमारी अभी कुछ देर पहले ही मैंने जो गुरुग्राम जिला अध्यक्ष है बीजेपी के भूपेंद्र चौहान, उनसे मैंने बात की थी। उन्होंने कहा था कि अभी लिस्ट तैयार की जा रही है, लेकिन स्वाति यादव का उन्होंने कंफर्म किया कि आज वो गुरुग्राम में यहाँ पर ज्वाइन कर रही है, लेकिन बाकी किसी का उन्होंने नाम नहीं बताया। उनका कहना है कि और भी कई तमाम दिग्गज हैं जो आज बीजेपी शामिल हो रहे हैं। अब देखना होगा कि 3 बजे कौन कौन से ऐसे दिग्गज हैं जो, या क्या दूसरी पार्टियों के वो दिग्गज हैं जो आज बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए बीजेपी में तमाम लोग तो जुड़ते जा रहे हैं, उनका जनाधार तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन अब टारगेट हो गया बीजेपी का कि जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो बाकी पार्टियां हैं, उनके बड़े लीडर्स को तोड़ा जाए। हमने पीछे देखा इनेलो के कई विधायक बीजेपी में शामिल हुए, इसी तरह से आज जेजेपी की एक बड़ी लीडर यहां पर शामिल हो रही है। तो कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियों का मोराल डाउन करने की भी कोशिश है, और कहीं ना कहीं ये बड़ा झटका है उन तमाम पार्टियों के लिए जिनके नेता लगातार छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। जी शीनम, बिल्कुल सुनील, बड़ा झटका है। पूजा, अगर हरियाणा की राजनीति की बात की जाए तो बीजेपी लगातार अपना जनाधार बढ़ा रही है, अपना परिवार बड़ा कर रही है, और जिस तरीके से पहले इनेलो से लोग छोड़कर बीजेपी में आए, अब जेजेपी से भी लोग छोड़कर बीजेपी में आ रहे हैं। ऐसे में इनेलो तो टूटती नजर आ ही रही है, लेकिन इनेलो से जो एक और पार्टी निकली थी जेजेपी, वो भी अब कहीं ना कहीं कम होती नजर आ रही है। बिल्कुल शीनम, साफ तौर पर बता दें कि विधानसभा चुनाव आने वाले में ऐसे में कई फेर बदल देखे जा सकते हैं, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो, उसमें जो है शामिल होने का सिलसिला या फिर वहां से छोड़ने का सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन देखने वाली बात यह है कि लोकसभा चुनावों के बाद ही बीजेपी प्रदेश की, जो बीजेपी कार्यकारिणी है, उनकी एक अगर हम फ्रेमवर्क की बात करें तो बहुत बेहतर तरीके से ग्राउंड लेवल पर उन्होंने उसी वक्त काम करना शुरू कर दिया था लोकसभा चुनावों के दूसरे दिन से, क्योंकि प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं। ऐसे में लगातार उन्होंने कोशिश करी कि लोगों के बीच में जाए। खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कमान संभाली, और जिस तरह से पन्ना प्रमुखों के जो कार्यक्रम किया अभिनंदन को लेकर, तो उससे कहीं ना कहीं लोग प्रभावित हुए। कहीं ना कहीं अगर बात करें तो जो राजनेता लगातार शामिल हो रहे हैं, उनके माइंड अगर फ्रेमवर्क की बात करें तो उनके दिमाग में भी ये चीज़ होगी कि जहां जिस पार्टी में इतना सम्मान अगर कार्यकर्ताओं को मिल रहा है, तो ऐसे में अगर वो वहां ज्वाइन करते हैं तो उन्हें कितना सम्मान मिलेगा, और ऐसा किसी अन्य राजनीतिक दल में नहीं देखने को मिला। आज बीजेपी की अगर बात करें तो देश की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही है, और एक मील पत्थर साबित करने के लिए जो है प्रयासरत है, और लगातार जो है अभी तक बता दें कि 20 करोड़ की उनकी सदस्यता है, और टारगेट अभी अचीव करने के लिए हर प्रदेश को अलग अलग टारगेट्स दिए गए हैं। लेकिन प्रदेश के अन्य लोग अगर उसमें शामिल हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके लिए एक टारगेट अचीविंग परफॉर्मेंस देना भी लाजमी हो चुका है। और इसके अलावा जिस तरह से लगातार ज्वाइनिंग हो रही है, या जिस तरह से अन्य राजनीतिक दल टूट रहे हैं, कहीं ना कहीं मजबूत बना रहे हैं पार्टी को, और एक सिंगल पार्टी के तौर पर उभरता हुआ नजर आ रहा है। और आने वाले विधानसभा चुनावों में अभी जो अगर बात करें तो ये दिख रहा है कि बीजेपी की जो है अच्छा वोट मत पड़ेगा, और लोगों का जो विश्वास बीजेपी का परिवार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूजा वर्मा, और गुरुग्राम से ब्यूरो चीफ सुनील भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए इस कार्यक्रम को लेकर।